अस्सलामुअलैकुम। आज बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो हमारी रेजोल्यूशन के ऊपर है, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने रेजोल्यूशन की डेफिनेशन को देखा, हम लोगों ने ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर को देखा, हम लोगों ने जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो है रेजोल्यूशन को देखा। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने ऑक्युलर लेंसेज की तरफ के ऑक्युलर लेंसेज जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसकी जो है वो रेजोल्यूशन पावर कितनी है। ऑक्युलर लेंसेज की बात करूँ तो ऑक्युलर लेंसेज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये लेंसेज की वो टाइप है जो कि अटैच्ड होती है टू अ वैरायटी ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस की, सच एज टेलीस्कोप्स की बात करूँ या मैं फिर बात करूँ माइक्रोस्कोप्स की बात करूँ। तो ऑक्युलर लेंसेज जो है बेसिकली with the
ऑब्जेक्टिव प्लान्स। सो हम लोगों ने वैल्यू जो होगी ये ऑक्युलर लेंस जो है इसकी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल ऑक्युलर लेंस की जो है वो वैल्यू है, मैं कोई भी वैल्यू जो है वो ले लेती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू ले रही हूँ जी ए की वैल्यू, मैं 10 ले रही हूँ, दूसरी की वैल्यू जो है मैं 40 ले रही हूँ, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ऑक्युलर लेंस की वैल्यू मैंने ले ली है 10x और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैंने वैल्यू ले ली है 40x। सो इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी उनको मैंने मल्टीप्लाई करना है और मैं 10x को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 40x के साथ रेजोल्यूशन पावर के लिहाज से तो मेरे पास जो है वो 100x आ जाएगा। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन पावर अगर हम लोगों ने माइक्रोस्कोप की निकाली होती है तो हम दो चीजों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मैग्निफिकेशन पावर जो है उसकी बात आती है तो हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्युलर लेंस की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द ऑब्जेक्टिव लेंस, जब मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास जो है वो रेजोल्यूशन पावर जो है वो इन दोनों की जो है मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 100x आ गई। सो उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन पावर जो है इस सेम डेट इज द 500x डेट ऑफ नेकेड आई। कि नेकेड आई की जिस तरह से रेजोल्यूशन पावर होती है बिल्कुल 500x की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर की जो है इक्वल होती है। जैसे तुम्हारे पास जो है वो 400x आ गई है लेकिन अगर 500x आ जाए तो एक नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर की वो इक्वल होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर, कि आप इन दोनों पॉइंट्स को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। पहले मैंने डिस्कशन की थी रेजोल्यूशन पावर के ऊपर और अभी मैंने जो डिस्कशन की है वो मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर की है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो कि कई दफा बोर्ड के अंदर आ चुका होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट लाइक हम जहां पे बैठ करके कोई भी स्पेसिमेन को अगर हम जो है वो उसके ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि स्पेसिमेन के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो हमने कोई भी स्पेसिमेन लिया उसको जो है वो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो देन जब भी हम लाइट सोर्स की, अब कोई भी चीज जो है वो आपको बिल्कुल अंधेरे के अंदर नजर नहीं आ सकती, आपने किसी भी चीज को अगर ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको जो है वो लाइट की जरूरत होती है। तो बेसिकली जब हम स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो उसके लिए लाइट सोर्स की जरूरत होती है और लाइट सोर्स जो है उसके लिए नेसेसरी होता है। सो लाइट सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट सोर्स होता है द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ जिसमें ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गिराए जाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ लाइट सोर्स की तो वो इल्यूमिनेशन है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन और
नेकेड आई की बात करती हूँ, एक नेकेड आई की, तो उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 2,50,000 ज्यादा, 2,50,000। सो ये रेजोल्यूशन पावर जो है वो ध्यान से कर लीजिएगा, इसमें से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहीं से जो है वो आपके एमसीक्यूज निकलते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या एमपी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने रेजोल्यूशन की जो है वो बात की है, हमने डिफरेंस उसमें किया कि कंपाउंड जो है वो माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी ज्यादा है, और जो नेकेड आई है उससे उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी ज्यादा है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि 2 to 4 एंगस्ट्रम जो अपार्ट है ये चीज जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने यहाँ पर पावर लिखी थी, इसकी जो रेजोल्यूशन जो पावर है यहाँ पे आपको नजर आ रही है रेजोल्यूशन पावर 2 to 4 एंगस्ट्रम की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये 2 to 4 एंगस्ट्रम रेजोल्यूशन पावर जो माइक्रोस्कोप की है ये 2 पॉइंट्स को डिफरेंस करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करती है, कि बहुत क्लियरली जो है ये 2 to 4 जो है वो रेजोल्यूशन पावर एंगस्ट्रम जो है वो क्लियरली डिफरेंस करने के लिए जो है ये यूज होती है। तो इट्स ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर, जिसमें हमने इसकी हमने ये देखा कि कितनी जो है वो रेजोल्यूशन पावर होती है। तो हमने हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ ऑन द रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।